गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं हमारे सो मेनी काइंड्स के ऊपर की एक्सरसाइज. ओके, ये एक्सरसाइज मैं आपको ऐसे टेक्स्ट बुक वीडियो में दिखा रही हूँ. आज बोर्ड पे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में आपको अच्छे से समझ में आएगा. इसलिए एक्सरसाइज हम इसके बाद ऐसे ही लेंगे वीडियोस के तौर पे. ओके, जो थेरोटिकल है वो ऐसे ही टेक्स्ट बुक दिखा के लेंगे, नहीं तो हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे. हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा था, यहाँ पे दिया है. व्हाट वी हैव लर्न, क्या क्या पढ़ा. डिफरेंट एनिमल आर फाउंड इन द एयर, ऑन द ग्राउंड एंड इन वाटर. अलग अलग टाइप्स के एनिमल हमें एयर्स में, ग्राउंड पे, जमीन के ऊपर एंड पानी में हमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखते ओके मिलते हैं. देर आर डिफरेंस इन द कलर, शेप एंड साइज ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो इन द वेज दे मूव. सब एनिमल्स अलग अलग टाइप के हैं. वो एनिमल अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग शेप के हैं एंड उनकी साइज भी छोटी बड़ी होती है. एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, काऊ छोटी होती है थोड़े से उसके, जिराफ जो होता है उसकी नेक बहुत लंबी होती है. ऐसे जैसे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल हैं, वो दिखने में भी अलग है, उसके कलर भी अलग है, उनकी साइज भी अलग है, और वो चलने की जो तौर तरीके होते हैं, मूवमेंट जो होती है उनकी, वो भी सब अलग अलग होती है हर एक एनिमल की. वी फाइंड सम एनिमल्स यूजफुल, वी कीप सच एनिमल. जो एनिमल हम कौन से जो हमें यूज़फुल है, जो दिखते हैं हमें कि ये यूज़फुल है, उन एनिमल को हम पालते हैं. जैसे डॉग को भी पालते हैं, काऊ को पालते हैं, काऊ को पालते हैं तो वो हमें मिल देती है. डॉग हमारे घर का गार्ड होता है. ओके, इस तरह जो एनिमल हमें यूज़फुल है वो एनिमल हम पालते हैं. सम एनिमल्स आर नॉइसेस फॉर अस, नॉइसेंस. ओके, जो कुछ एनिमल्स हैं वो हमें परेशान करते हैं, उसे वो कुछ एनिमल्स से भी जो हमें परेशान करते हैं. साइंटिस्ट क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सर्टन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. साइंटिस्ट जो हमारे वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, इन एनिमल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखा, इनमें जो डिफरेंट हैं वो सब दिए, उनमें के जो हैं डिफरेंसेस ये देख के उनको क्लासीफाई किया, अलग अलग ग्रुप में उनको क्लासीफाई किया. अब देखो हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज को. अब देखेंगे यहाँ पे आपको ये है ए नंबर, व्हाट्स द सॉल्यूशन, ये बाद में देखेंगे. थिंक एंड टेल ये देखेंगे, ये आपको सोचना है और बताना है. ये राइटिंग के तौर पे भी दूंगी आपको. ओके, बेटल इज एन एनिमल दैट फ्लाई, बट इट इज़ अ बर्ड और एन इंसेक्ट. बेटल फ्लाई करता है, ये बर्ड है कि इंसेक्ट है. बेटल इज एन इंसेक्ट. ओके, What is common between a fish and camelons? Fish and camelons में क्या difference है, common difference, कौन सा ऐसा difference है, दोनों में क्या common है, camelons में and fish में क्या क्या common है. Is that they both lay eggs. यहाँ से आएगा आपका answer. यहाँ पे मैंने द लिख के रखा है. The common between a fish and camelon, उसमें क्या common है, they both lay egg, वो दोनों भी अंडे देते हैं, ये दोनों में common है. Name an animal which has stripes on his body. कौन से एनिमल के बॉडी पे स्ट्रिप्स मीन्स पट्टे हैं, कौन सा एनिमल है, जेब्रा. ओके, व्हाई डू पीपल हु लिव इन डेजर्ट कीप कैमल्स. जो एनिमल पीपल्स डेजर्ट में रहते हैं, ओके, डेजर्ट मीन्स वाड़वंट. ओके, डेजर्ट्स में रहते हैं वो कैमल को क्यों पालते हैं, कैमल्स मीन्स हमारे ऊंट क्यों पालते हैं. पीपल हु लिव इन डेजर्ट कीप कैमल्स बिकॉज दे कैन कैरी वेरियस टाइप्स ऑफ हैवी goods and travel without any food or water for a long period time. क्यों पालते हैं, वहाँ पे तो पानी नहीं रहता पहले तो डेजर्ट में, और वहाँ पे इतनी रेत रहती है कि कोई गाड़ी नहीं चल सकती वहाँ पे, सिर्फ कोई भी एनिमल भी नहीं जा सकता, सिर्फ कैमल. कैमल के जो लेग होते हैं वो बड़े हाई होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, और वो बहुत दिन तक पानी भी नहीं पिया तो भी चलता. एक टाइम भी इतना पानी पीता है वो कि वो उसको बहुत दिन जाता है, वो नहीं पीता जल्द और ज़्यादा फूड भी नहीं खाता. इसीलिए वो डेजर्ट में अच्छा काम कर, वो डेजर्ट में चल भी सकता है और वो ज़्यादा बोझा उठाता है, इसीलिए जो डेजर्ट में लोग रहते हैं वो कैमल को पालते हैं. व्हाई डू पीपल कीप शिप, शिप शिप को क्यों पालते हैं, बिकॉज क्या देती है शिप हमें, क्या देती है, दे गेट, बिकॉज दे गेट एग एंड सॉरी बिकॉज दे गेट उल एंड
मिल्क, उल देती है, उल देती है ना, हम कैमल जो शिप जो होती है हमारी वो हमें उल देती है, उल से क्या बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, उल देती है एंड मिल्क भी देती है। व्हाई डू पीपल कीप हैंस, हैन क्या देती है हमें, दे गेट एग एंड मीट, एग एंड मीट, अंडे मिलते हैं इससे और क्या मिलते हैं, मांस, क्यों, इसीलिए हम इसको हैन को पालते हैं। राइट द नेम ऑफ एनिमल विच रन वेरी फास्ट, कौन सा एनिमल है वो जो जो बहुत जोर से भागता है, दौड़ता है, डियर एंड लियोपार्ड, उसके बाद हॉर्स, ओके। राइट द नेम ऑफ बर्ड्स विच सोर हाई इन टू द स्काई, ज़्यादा लंबी उड़ान ले सकता है हमारे स्काई में, आकाश में बहुत ज़्यादा उड़ सक ऊपर उड़ सकता है, वो ईगल है। विच एनिमल हैव स्पॉट ऑन देयर बॉडी, कौन से एनिमल की बॉडी के ऊपर स्पॉट है, वो है जिराफ, लियोपार्ड, ओके। विच एनिमल हैव अ मेन, कौन से एनिमल को है, लॉयन, हॉर्स हैव अ मेन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल क्रोज आर, कौन से कलर के हैं, ब्लैक, ऑल पैरट्स आर कलरफुल, बट काउज हैव डिफरेंट कलर, दे मे बी ब्लैक, कौन से कलर की काउ, ब्लैक होती है, ब्राउन और वाइट कलर की, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। फ्रॉम विच एनिमल डू वी गेट मिल्क, कौन से एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, काउ, गोट एंड बफेलो से। Why do we not want mice in our house? हमें माइस हमारे घर में क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, Because we do not want mice our house, क्यों नहीं लगते, Because it destroy many things that are stored in our home, बहुत सी चीज़ें खा जाते हैं, इधर उधर कर देते हैं, इसलिए हमें अच्छे नहीं लगते माइस हमारे हाउस में। Where do we find fish? फिश कहाँ दिखती है, We find fish in water, water में होती है। Which animal have feather on their body? कौन से animal की body के ऊपर feather होते हैं, पंख होते हैं, पीस होते हैं, फर होते हैं, कौन से हैं, bird, birds, birds have feather on their body। उसके बाद how many legs do birds have? birds को कितने legs होते हैं, birds have a two legs, कितने होते हैं, two legs। उसके बाद true or false, match the pair and name of the following animals and how many legs, ये कर लेंगे, okay। आज के लिए इतना ही, ये सब आपको लिखने के लिए दूंगी और ये सब भी आपको लिखने के लिए थिंक एंड टेल आपको बताना ही है, लेकिन इसके आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं, ओके। एंड ये इतना आपके लिए आज के लिए होमवर्क, ओके। ये मैं आपको लिख के दूंगी, आपको ईवीएस की टेक्स्ट बुक में जैसे कि वैसा मैं पूरा क्वेश्चन आंसर आपको लिख के दूंगी, ईवीएस की ईवीएस की नोटबुक में आपको जैसे कि वैसे लिखना है, पूरे क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, पिक्चर सेंड करूँगी इसकी मैं आपको ग्रुप पे, और आपको जैसे कि वैसे आपकी ईवीएस की नोटबुक में लिखना है। कल हम ट्रू और फॉल्स करेंगे, मैच द फॉलोइंग, उसके बाद नेम द फॉलोइंग एनिमल्स, ये मैंने पूरे सॉल्व करके रखा है, लेकिन ये हम कर लेंगे क्योंकि एक दिन में आप इतना नहीं लिख सकते, ओके।